वक्त मौजूद हूँ शाहीन बाग में और आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ की महिलाएं जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल पे जयपुर की जो महिलाएं उनसे बात कर रही हैं। हम आपको सबको दिखाना, सीधे तौर पे दिखाना चाहेंगे यहाँ पे जो जयपुर में भी शाहीन बाग के नाम से फुटेज चल रहा है, आपको सीधे तौर पे दिखाना चाहते हैं कि यहाँ की महिलाएं जो है जयपुर के जो शाहीन बाग बना हुआ वहाँ की महिलाओं से बातचीत कर रही है मोबाइल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। मैं क्या कहना चाहेंगे जयपुर की महिलाओं को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी कि हमारे साथ आवाज में आवाज मिला के, कंधे से कंधा मिला के वो खड़े हो गए। और जब सबका साथ है हिंदुस्तान में जहाँ भी 148 जगह चल रहा जो प्रोटेस्ट, उन लोगों ने जितना शानदार साथ दिया है जीत भी उतना ही शानदार हो गई। इसी शाहीन बाग की सरजमीन पे इंसाफ होगा 70 साल के जो डिस्क्रिमिनेशन का है, और आप लोगों का साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम हमेशा आपके साथ है जब आप हमारे साथ हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं कि ये महिलाएं जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन महिलाओं से बात कर रही है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे शाहीन बाग की महिलाओं से, जयपुर के महिलाओं जो बात कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हम ये चाहते हैं जैसे हम हिम्मत हौसले के साथ जुटे पड़े उसी तरह से आप भी बिल्कुल ऐसी बैठी रहे जब तक कि हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता। हम चाहते हैं जिस मकसद के लिए हम यहाँ बैठे हैं CNRC MNPR के लिए, जब तक वो लिखित पर नहीं दे रहे हम लोग हटेंगे ना वो लोग हटे। आप लोग किसी से दुनिया में किसी से मत डरिएगा अल्लाह के सिवा। और दूसरा ये जब हम अपने घरों से निकले हैं जिस मकसद के लिए, वो पूरा बगैर बिल्कुल नहीं जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी मिलेगी क्योंकि एक सीढ़ी पे हम पहुंच चुके हैं कामयाबी की, और बहुत जल्दी हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए हौसला रखें, हिम्मत रखें, हम सब आपके साथ हैं, पूरा शाहीन बाग आपके साथ है। थैंक यू। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये शाहीन बाग की महिलाएं जो है वो बात कर रही है, या शाहीन बाग की महिलाएं से हम और भी महिलाओं से बात करना चाहते हैं। क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ बातें हो रही है महिलाओं से? महिलाओं को हम यही कहेंगे कि पूरे हिम्मत के साथ बैठे, और माशाल्लाह हम लोग भी बहुत हिम्मत के साथ हैं। वो लोग जो कह रही है कि मतलब MPR RNRC वापिस हो गया तो हम उठ जाए, बिल्कुल भी नहीं, बैठे रहे, पूरी हिम्मत से बैठे जब तक शाहीन बाग की महिला ना उठ जाए। वो लोग ना उठे जब तक हमारी CA रिजेक्ट ना होगा हम लोग नहीं हटेंगे। CA है जो किसी भी हालत में जो है वापिस जब तक नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं लेंगे, और पूरी ताकत से हम लोग बैठेंगे। आप लोग भी बैठिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह प्रोटेस्ट को कामयाब बनाए, और आप लोग की हिम्मत को अल्लाह मजबूती दे कि ये लेडीज हटने वाली नहीं है। जब तक CA रिजेक्ट नहीं हो जाता प्रोटेस्ट नहीं उठेगा, और जो 70 साल का डिस्क्रिमिनेशन है सबका हिसाब किताब होगा। हमारा 43% जो महिला का आरक्षण है वो भी सदन में 10 साल से पास किया हुआ रखा हुआ है, लोकसभा में उनको भी प्रधानमंत्री को पास करना होगा, और बाकी भी लोकतंत्र के सारे पिलर है, मीडिया है, पुलिस है, सुप्रीम कोर्ट है, या फिर पंच को जो चूहा बिल्ली जैसे बना के रखा हुआ है, सब कुछ ठीक करेंगे शाहीन बाग की सरजमीन से। मैम एक अहम सवाल ये है कि अफवाहें फैलाई जा रही है कि महिलाएं उठ रही है कोरोना वायरस को लेकर के, क्या कहेंगी, क्या इंतजाम है? कोई कोरोना वायरस का डर नहीं है, हम लोगों को तो डर है अपने साथ हुए इनजस्टिस का। CA से बड़ा कोई कोरोना वायरस नहीं है, कोरोना वायरस के डर से कोई नहीं उठने वाला, हम लोग यही रहेंगे। कोई को भी नहीं लगा हुआ मास्क, एक भी लेडीज को मास्क नहीं लगा हुआ, हम लोग नहीं डर रहे, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं डर रहे, खड़े हम लोग बैठे रहेंगे। कहना चाहेंगे आपको साफ तौर पे, क्या कहना चाहेंगे जयपुर के महिलाओं से, आप लोगों की बात हो रही है? हाँ जी, जयपुर की महिलाओं से क्या कुछ बात हो रही है? हम ये कहने चाहते हैं जैसे हम शाहीन बाग हम हमने संविधान के साथ संविधान बचाने के लिए हम यहाँ बैठी है। हाँ आप लोग डरिए मत, प्रधानमंत्री जी ने हमें जगा दिया, हम सो रहे थे बिल्कुल जगा दिया, हम बिल्कुल इस काला कानून से हम खिलाफ है। CA NRC और MPR हम हटा भी चलेंगे, क्यों असम में जो कर रखा कल हमारा सब नेक्स्ट टाइम भी होएंगे। और कोरोना वायरस के लिए जो उन्होंने डर रहा, ये डरने का कोई बात नहीं है, उन्होंने खुद कोरोना वायरस छोड़ रखा, ये जो CA NPR NRC ये सबसे बड़ा
खतरनाक कि असम में ऐसी दुर्घटना कर रखा, कल नेक्स्ट टाइम में हमारे साथ भी आए। मोदी जी तो एक हिंदुस्तान चलाने वाला है, इससे भी बड़ा है जो हमारा रॉब। यह रॉब मर्जी चलेगा, मन मर्जी नहीं चलेगा। हम कभी भी नहीं यहाँ से हम लोग नहीं हटेंगे, क्यों हटेंगे? जब तक हम सिर पे कफन बांध के बैठे, जब तक निकालो कानून, हम यहाँ से हटेंगे जब तक नहीं करेंगे। अमित शाह ने बोलना था हम एक इंच नहीं हटेंगे, मगर हम लोग भी आधा इंच भी नहीं हटेंगे। क्यों हटेंगे? जब तक निकालो कानून आपस लेंगे। और आप लोग बिल्कुल डरिए मत, हमारे एकता है, पूरे हिंदुस्तान एकता है, महिला जिंदाबाद। और सबसे पहले हमारे यकीन है, ईमान है, हम ना हिंदू ना मुसलमान, हम है आदम के संतान। ये कोई डरने की बात नहीं है, आप लोग बिल्कुल मत डरिए, सब जगह प्रोटेस्ट करिए, हम आपको साथ है, पूरे हिंदुस्तान साथ है। ये कोरोना वायरस मोदी ने छोड़ रखा, हमने नहीं छोड़ रखा। लगातार जो है कोरोना वायरस का हवाला दिया जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से महिलाएं यहाँ से कम हो रही हैं, क्या कहेंगे? नहीं, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल कोई नहीं हटेंगे। क्यों हटेंगे? कोरोना वायरस ऐसी नहीं आएंगे, मौत एक बार आना है। हम तो यह झूठ करने के लिए बैठे, क्यों सिर पे काफल बांध के बैठे? हम हटने वाली नहीं है, जब तक नाम जंग जीतेंगे यहाँ से हट के नहीं जाएंगे। जान चले जाए, गोली मारे, उनके अकबर है, उनके हिंदुस्तान है, उनके पास पावर है, उनके पास पुलिस है, हमारे पास एक है एकता और महिला संघर्ष और नारी शक्ति, जिंदाबाद। तो ये थी शाहीनबाग की महिलाएं जो साफ तौर पे कह रही है कि यहाँ कोई भी कोरोना वायरस से डर नहीं रहा है, हम सब यहाँ पे इकट्ठा रहेंगे। कोरोना वायरस से बड़ा है NRC और CAA का काला कानून, जो काला कानून जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम यहाँ प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। और कोई भी यहाँ कोरोना वायरस से डर नहीं रहा है। ये महिलाएं अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो जयपुर में शाहीन बाग बना हुआ है उन महिलाओं से, यहाँ जो दिल्ली के शाहीन बाग की महिलाएं हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रही हैं। हम आपको साफ तौर पर दिखाना चाह रहे हैं, जो हम लोगों का लिए है उसका तूने अच्छा सिला दिया, बहुत अच्छा। बोलो जयपुर के, जयपुर हो या कहीं हो, हर जगह शाहीन बाग का बना है। और मुझे हम लोगों को अफवाही में गुमराही में रखा जा रहा है, इसलिए कि शाहीन बाग का प्रोटेस्ट कमजोर बन जाए ताकि हर जगह का कमजोर हो जाए। लेकिन हम लोग कमजोर होने वाले नहीं है, और हम लोग आस पास जितनी लेडीज है जो दूर दराज से आई हुई है वो सारे लेडीज अपने यहाँ पे आस पास के लोगों को ले जाती है, और ले जा कर के खुद खाना खाती है, खिलाती है। और आप ढूंढते रह गए कि ये कहाँ से बारिश हो रही है, ये बिरयानी की कहाँ से बारिश हो रही है, ये पानी की बारिश कहाँ हो रही है, कहीं विदेश से तो नहीं आ रहा है। अरे यार, अगर विदेश से आ रही है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हम आपको बता दें कि ये महिलाएं जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर में जो शाहीन बाग है उन महिलाओं से बातचीत कर रही हैं। और इन महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि जयपुर की महिलाओं संघर्ष करो, शाहीन बाग तुम्हारे साथ है। ये महिलाएं अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाहीन बाग की महिलाओं से बातचीत कर रही है। हम और भी चाहेंगे महिला से क्या कहेंगे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी से हमारे अपील है, उनके जब हम कोटेस में बैठे थे ठंड में, एक छोटा सा बच्चा जब इंतकाल हो गया, उन्होंने सब मीडिया में फैला दिया था कि एक बच्चा खत्म हो गया। हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि बच्चे के लाकर यहाँ प्रोटेस्ट करने नहीं चाहिए, मगर उसके बाद उन्होंने जो जफराबाद में यह काम किया, उनके वो की इंसान नहीं है, किसी औलाद चले गए, किसी के बेटा चले गया, किसी के शौहर खत्म हो गया, ये ऐसे आतंक कैसे फैलाया? उनके क्यों गिरफ्तार नहीं करते जब सरिया में गोली चलाते हैं, जब जामिया में बोलते आजादी चाहिए, आपको आजादी चाहिए, जब जनता पकड़ के देते हम लोग, तो जनता तो क्या बोलते हैं? जे ये नाबालिग है, ये मेंटल है, ये कुछ नहीं है, और मुस्लिम का आजाद कर देता है, ये कौन सा तरीका है? हमारी भाई बहन को इस तरह से जला दिया गया, आज मैं देख के आई तो मैं रोई, मैं घबरा गई। वो दिन कल हम लोग को ना देखना पड़ जाए, इसलिए शाहीन बाग की महिला कहीं पर से कमजोर होने वाली नहीं है, बिल्कुल बैठी रहेंगी यहाँ। अभी 90 दिन हुआ है, 100 दिन, 500 दिन भी हो जाएगा तो हम लोग यही है और बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं जब आज का दिन मैं देख कर आई हूँ तो कलेजा फट गया,
देख के कि किस तरह से बर्बादी कर दिया गया। जयपुर लेडीज को मैं बोलना चाहती हूँ, आप लोग डरिए मत, 11 स्टेट ने सबने समर्थन करा, CAA NRC ये लागू नहीं होएंगे, हम लोग डरने वाली नहीं है, हम लोग घबराइए मत, हम आपको साथ है, हम एकता है। तो आपको सामने में बता दें कि ये महिलाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रही है, जयपुर के शाहीन बाग जो बना हुआ है उस शाहीन बाग के महिलाओं से दिल्ली के शाहीन बाग की महिलाएं बातचीत कर रही है। ये नारेबाजी दोनों तरफ से हो रही है, वहां की महिलाएं भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नारेबाजी कर रही है, और यहां दिल्ली की शाहीन बाग में मैं मौजूद हूं, यहां भी महिलाएं उनका साथ दे रही है। और इन महिलाओं को साफ तौर पर कहना है कि ये दिल्ली की शाहीन बाग की महिलाएं जयपुर की शाहीन बाग की महिलाओं के साथ है, और पूरे देश में जितने भी शाहीन बाग बने हुए हैं ये दिल्ली के शाहीन बाग की महिलाएं उनके साथ है। शाहीन बाग से मैं राशिद कमाल, न्यूज मैक्स के लिए।